For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल माननीय हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और निगमों का जो बकाया था करंट ईयर का 991 करोड़ उनको जारी करने का आदेश दिया, इससे ये साबित हो गया है कि दिल्ली सरकार लगातार निगमों को पंगु बनाने के लिए, पैरालाइज करने के लिए उनके फंड्स को रोक रही है, अलग अलग बहाने बना करके फंड्स में कट कर रही है। कल माननीय कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और अब जो 13,000 करोड़ की लड़ाई को हमने शुरू किया था, जिसमें से 1,000 करोड़ आ गया है, हाँ बचे हुए पैसों की लड़ाई को हम और तेज़ करेंगे, क्योंकि ये पैसा निगम के उन लोगों का है जो निगम के कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी, चाहे DVC कर्मचारी, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे उद्यान विभाग के लोग हैं, चाहे हमारे टीचर्स हैं, इन सब की लड़ाई को जीतने का ये सिलसिला शुरू हुआ है। आने वाले समय में हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो 2 लाख कर्मचारी हैं तीनों नगर निगम के, आने वाले समय में उनको वेतन समय पर मिले और निगम के माध्यम से दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएँ और दिल्ली का विकास हो, इसके लिए हम संकल्पित हैं। हम इस लड़ाई को और तेज़ी से लड़ेंगे और दिल्ली सरकार से अपना अधिकार लेकर रहेंगे। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. होली के पर्व की दिल्ली और देश के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। होली हमारा रंगों का त्यौहार है, तरंगों का त्यौहार है, उमंगों का त्यौहार है और एक बहुत बड़ा संदेश समरसता का भी देता है, क्योंकि जब होली के रंग हम पर डल जाते हैं तो कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन अधिकारी है, कौन कर्मचारी है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस जात बिरादरी या धर्म का है, ये किसी को कुछ नहीं पता होता। इसका मतलब होली हम सबको एक रंग में रखती है। वो रंग होता है राष्ट्रवाद का, वो रंग होता है प्यार का, वो रंग होता है संस्कारों का, रंग होता है परंपराओं का। तो आओ हम इस त्यौहार में और 4 चांद लगाएं और इस बार की होली में हम सावधानी भी हमें बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना अपना पाव पसार रहा है। तो हम होली के माध्यम से उसको भगाने का प्रयास करें, ना कि उसको न्योता दें। तो हम दूर से होली मनाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगा कर रखेंगे, हाथ धोएंगे। इस तरह से अगर हम सब ने काम किए तो ये होली हमारी सफलतापूर्वक निकलेगी और कोरोना पर भी लड़ाई को हम जीत पाएंगे।